ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। ये समझते हैं कि ब्लैकमेल कर लेंगे कि जिस मुजाहरे करके और हम कुछ नहीं करेंगे। मैं अपनी कौम के सामने वादा करता हूं कि मैंने एक को नहीं छोड़ना, जितने मर्जी कहें जमहूरियत खतरे में है, असेंबली में शोर मचाए, जो मर्जी कर ले, एक आदमी को नहीं इंशाल्लाह छोड़ूंगा। यहां जिसको हाथ डालो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। कहते जी इमरान खान बड़ी गालियां निकालता है, गाली क्या है? डाकू को डाकू कहना ये गाली है? शहबाज शरीफ को मंडेला बनते देखा, लोग इस तरह उसको सामने आए हुए हैं, गाड़ी के सामने नारे मार रहे हैं, उनके लोग तकरीरें कर रहे हैं। वो बड़े भाई को पकड़ो, वो जाके नैब से कहते जी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, चोरी आपने की और जवाब और नैब वाले दें आपको। इधर जाके शहबाज शरीफ वो मंडेला बने हुए हैं, वहां शोर मच रहा जी, वो औरतें शक्लें बनाई हुई है, पता नहीं कौन सा आसमान नीचे गिरने लगा है, कौन सी क्यामत आ गई। अब कई शक्लें मेरे सामने आ रही हैं, जो मैं देख रहा था वो टीवी पे बैठ के शहबाज शरीफ लगे हुए थे, उनकी शक्लों पे खौफ नजर आ रहा था मुझे। तो मैं देख रहा था वो जो शोर मचा रहे थे ना बड़ी जोर जोर से शहबाज शरीफ के लिए, मैं देख रहा था कि कितनी देर जेल से बाहर रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है, ऊंची ऑपोजिशन लीडर को पकड़ लिया। जमहूरियत तकड़ी तब होती है जिस जमहूरियत के अंदर इत्तेसाब होता है। आपको पता है कि अगर स्ट्रीट पावर है किसी के पास तो वो तहरीक इंसाफ के पास है। ये तो मुश्किल से पैसे देके कीमे के नान खिला के 50 लोग जमा करते हैं, हम वहां लाखों लोग जमा कर सकते थे, आपस में मिले हुए होते हैं, यूनियन है इनकी करप्शन की, हम जी इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जरदारी और शरीफ कहता था कि नूरा कुश्ती है, ऊपर से लड़ाई अंदर से भाई भाई, अब ये साबित हो गया इकट्ठे मिलकर जनाब भाई भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को रोकना है वो जमहूरियत खतरे में डाल रही है। एक ही करप्शन को हाथ डाला जाता है, सारी करप्शन की वो यूनियन इकट्ठी हो जाती है। कोई दीनी जमात हो है, कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई पता नहीं सेंट्रिस्ट कहता है, करप्शन इश्यू आती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। किस लिए? जमहूरियत बचाने के लिए।